जय श्री कृष्णा दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो दूसरी टीम देने वाली हूँ वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाली मैच है, उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि पिच कैसा रहेगा, कौन कितना विकेट लेगा, कौन कितना रन मारेगा, हाईएस्ट रन कितने होंगे, लोएस्ट रन कितने होंगे, एवरेज स्कोर कितने बनेंगे। मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दे और यूं ही टीम लगाकर जीतते रहें। इस रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन और वेन्यू गाइड की डिटेल्स दी गई है। इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि ये थर्ड T20 मैच है। इस मैच के लिए न्यूजीलैंड इंडिया आई है, जो 1 फरवरी वेंसडे मीन्स आज शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेली जाएगी, जहाँ की कैपेसिटी 1,32,000 है। यहाँ अंपायर में नीति मेनन, जय रमन, मदन गोपाल रहेंगे। थर्ड एम्पायर की बात की जाए तो थर्ड एम्पायर में अनिल कुमार चौधरी होंगे और रेफरी जे श्रीनाथ होंगे। अब आते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। इस पिच में टोटल 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाले 3 मैच जीते हैं और सेकेंड बैटिंग करने वाले 3 मैच जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर की बात करें तो 174 रन है और एवरेज सेकेंड इनिंग्स स्कोर की बात करें तो 166 रन है। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 224 रन है, जो इंडिया के द्वारा बनाया गया है। लोएस्ट टोटल की बात करें तो 124 रन है, जो इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। हाईएस्ट चेस्ट की बात करें तो 166 रन है बाई टीम इंडिया। लोएस्ट डिफेंडेंट की बात करें तो 185 रन है बाई टीम इंडिया। लास्ट 5 मैचेस की बात की जाए तो फास्ट बॉलर के द्वारा टोटल 37 विकेट लिए गए हैं, जिसमें राइट आर्म फास्ट बॉलर ने 34 विकेट लिए हैं और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने 3 विकेट लिए हैं। यदि स्पिनर्स की बात करें तो टोटल 13 विकेट लिए गए हैं, जिसमें राइट आर्म ऑफ स्पिनर के द्वारा 4 विकेट, राइट आर्म लेग स्पिनर्स के द्वारा 9 विकेट, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के द्वारा 0 विकेट लिए गए हैं। अब आती हूँ हाउजेट की टीम की ओर, जहाँ मेरे विकेट कीपर एफ एलेन और ईशान किशन होंगे। बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन में मैंने डी कॉनवे, एस यादव और एस गिल को लिया है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो डब्लू सुंदर, एन सेंटनर, एम ब्रिसवेल और हार्दिक पांड्या होंगे। अब आती हूँ बॉलर्स पे। बॉलर्स में मैंने ए सिंह और के यादव को लिया है। कैप्टन की बात करें तो कैप्टन में मैंने हार्दिक पांड्या और वीसी में मैंने शुभम गिल को लिया है। अब बारी है ड्रीम इलेवन की। ड्रीम इलेवन में मैंने विकेट कीपर डी कॉनवे और ईशान किशन को लिया है। बैट्समैन की बात करें तो मैंने एस यादव, जी फिलिप्स और एस गिल को लिया है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो एम ब्रेसवेल, एम सेंटनर, हार्दिक पांड्या, डब्लू सुंदर होंगे। अब आती हूँ बॉलर्स पे। बॉलर्स में मैंने के यादव, ए सिंह को लिया है। कैप्टन की बात करें तो कैप्टन में मैंने हार्दिक पांड्या और वीसी में मैंने एस गिल को लिया है। पिछले मैच में तो पांड्या ने गली क्रिकेट जैसे खुद 4 ओवर की बॉलिंग की और खुद बैटिंग की। अब देखना है कि पांड्या अपने होम टाउन में क्या करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को यूं ही लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज़ टीम।